Jai Hind and a very warm welcome to Civil Staff Himachal. In today's session, we are going to take up a current affairs issue with respect to your mains examination from the subject of Indian economy, that is your GS paper 3. So recently, aapne newspapers mein dekha hoga that, you know, the central government has granted in principle approval kis cheez ke liye for 21 greenfield airports. Ab aapke liye ye janna isme zaruri hai, what do we mean by a greenfield airport first? Second, what is the policy or what is the law that governs the airports setting up in India? साथ साथ greenfield airport को कौन सी policy regulate करती है, कहां से किस authority से जो है ये approvals आते हैं and कैसे इनको फिर setup किया जाता है. So उसके बारे में बात करेंगे detail में. आपके mains जो हैं they are, you know, the mains examinations is due in the month of February itself. एंड उसमें आपको करंट अफेयर्स से अपडेट करना जरूरी है इकोनॉमी में, क्योंकि डायनेमिक सब्जेक्ट है जीएस 3 इकोनॉमी का आपका पेपर. उसमें जो है करंट अफेयर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर वाला प्रोजेक्ट पार्ट जो है दैट इज स्पेशली वेरी 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 मच रेलेवेंट, राइट? सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डेल्व इनटू द टॉपिक. बट उससे पहले एक बार आप अपना शेड्यूल देख सकते हैं, ये जो वीकली आपकी क्लासेस रहती हैं यूट्यूब पे. चलिए, सो व्हाट इज अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट. देखो, जब भी आप इस वर्ड से रूबरू होगे ना कि ग्रीन फील्ड की बात हो रही है, इसका मतलब इट इज अ बेसिक, इट इज अ वेरी फ्रेश इन्वेस्टमेंट विच वी आर टॉकिंग अबाउट. जब भी ब्राउन फील्ड की बात होगी, ब्राउन फील्ड का मतलब होता है कि इट इज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ मॉडिफिकेशन या फिर जो है कोई उसी के अंदर फर्दर रिवैम्प किया जा रहा है चीजों को, राइट? ग्रीन फील्ड में क्या हो रहा है, यू आर स्टार्टिंग इट अफ्रेश, के बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर चीज को, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रीन फील्ड बोल रहे हैं, राइट? ठीक है, अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की, तो इसका फिर क्या मतलब हो जाएगा कि ये एक ऐसा एयरपोर्ट है दैट इज गोइंग टू बी बिल्ट फ्रॉम द स्क्रैच. व्हाट डज दैट मीन, कि अभी ये बिल्कुल ही डेवलप नहीं हुआ है, अनडेवलप्ड है, नो वर्क हैज बीन डन इन द पास्ट, राइट? तभी वो ना ग्रीन फील्ड के बिल्कुल ही स्टार्टिंग से, फ्रॉम द बॉटम या फिर फ्रॉम द स्क्रैच उसको आप बिगिन कर रहे हैं. देन एयरपोर्ट इज बिल्ट टू, क्यों बिल्ड कर रहे हैं इन ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स को, मतलब कि इन बिल्कुल ही नए, एब्सोल्युटली न्यू एयरपोर्ट्स, सो एज टू मिनिमाइज द कंजेशन एट द एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स. देखो, जैसे जैसे कंट्री में एविएशन सेक्टर ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे हमारे ऑलरेडी जो प्रेजेंट मौजूदा जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पे लोड बढ़ रहा है. They are already catering to increased amount of air traffic. उस चीज से रियायत दिलवाने के लिए, रिलीफ दिलवाने के लिए एंड थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए जरूरी है कि बेटर कनेक्टिविटी हो, इंक्रीज एफिशिएंसी पे ऑपरेट कर पाए. तो आप उनको क्या करो, थोड़ा सा कंजेशन को डीकंजेस्ट करने के लिए नए एयरपोर्ट्स की फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस करो कंट्री में. एंड इसीलिए ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स को सरकार ने 21 प्रोजेक्ट्स को, 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स को अप्रूव किया है. Usually क्या है, इट इज एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड इन अ वे दैट स्पेशल कंसिडरेशन इज गिवन फॉर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. कि हम शहर से, रेजिडेंशियल एरिया से, जनरली आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट जो है वो दूर ही एस्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि रेजिडेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट उसके कम से कम पड़े, राइट? चाहे जो भी एयर पोल्यूशन है, फिर जो भी साउंड पोल्यूशन है, उसका इम्पैक्ट रेजिडेंशियल एरियाज पे ना पड़े एंड उसके साथ साथ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी उसका रिड्यूस या फिर मिनिमल से मिनिमल हो. So these considerations, you know, they facilitate or they basically go into the deciding of the factor ke where we have to provide an approval for a greenfield airport. Ki jo naya airport hum establish kar rahe hain. Theek hai? Ye toh ho gayi baat greenfield airport ki. But iske saath saath, what is the policy which regulates the greenfield airports in the country? Toh dekho, sabse pehle aapke paas hai greenfield airports policy 2008 ki. Jo yahaan pe relevant hai, relevant piece of policy hai. ये क्या कर रही है, इट गवर्न्स द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स इन द कंट्री. ये इसके थ्रू ही गवर्न हो रहे हैं. तो अभी भी रिसेंटली जो आपके एयरपोर्ट्स की न्यूज चल रही है उसमें भी इसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए, अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस 2008 पॉलिसी, दिस इन प्रिंसिपल अप्रूवल हैज बीन ग्रांटेड. साथ ही साथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है जो दो स्टेज का अप्रूवल परफॉर्म करती है, कि टू स्टेजेस हैं जिसमें अप्रूवल्स जो हैं वो दिए जाते हैं. पहली स्टेज कौन सी है, इट इज अ साइट क्लियरेंस अप्रूवल, दैट व्हाटएवर इज द साइट वेयर यू विश टू डेवलप दैट प्रोजेक्ट, उस चीज की अप्रूवल है. सेकंड है आपका इन प्रिंसिपल अप्रूवल, दैट नाउ यू कैन प्रोसीड, नाउ यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट बिल्डिंग दैट प्रोजेक्ट ऑफ द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट. तो इसमें होगा क्या कि जो भी प्रोपोनेंट है, प्रोपोनेंट माने कि जो भी प्राइवेट प्लेयर, मान लो जो भी कॉर्पोरेट है, जो भी
कंपनी बिल्ड करना चाहती है एयरपोर्ट, या फिर जो भी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राइट, जैसे मान लो अगर हिमाचल प्रदेश सरकार अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के पास, तो वो हो जाएगी प्रोपोनेंट उस प्रोजेक्ट की एंड इट विल सीक क्लियरेंस फ्रॉम द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो दो स्टेजेस में अप्रूवल ग्रांट करेगा, राइट। सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की, इंप्लीमेंट करने की एंड फंड करने की ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को, किसके पास है, लाइज विद द कंसर्न्ड प्रोपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। नाउ इट कैन बी वन प्रोपोनेंट, इट कैन बी जॉइंट वेंचर ऑल्सो, इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ मे बी पब्लिक एंड प्राइवेट वेंचर, जो कि क्या होंगे, प्रोजेक्ट के प्रोपोनेंट्स होंगे। तो फंडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको इंप्लीमेंट करने की आफ्टर द अप्रूवल हैज बीन ग्रांटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, राइट। तो प्रोपोनेंट्स कौन हो सकते हैं, इट कैन बी एयरपोर्ट डेवलपर या फिर द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो दे कैन बी द प्रोपोनेंट्स जो इसको ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को बिल्ड करेंगे, ठीक है जी। अब रिसेंटली जो अभी न्यूज चल रही है वो क्या चल रही है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स के लिए ग्रांट किया गया, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अप्रूवल दिया है 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स के लिए। कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं, तो पहली बात तो इन 21 में से 9 जो हैं दे हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड, 9 हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड, राइट। सो दैट मींस रिमेनिंग 12 आर येट टू बी ऑपरेशनलाइज्ड। तो इनकी अगर बात की जाए तो जस्ट फॉर योर फैक्चुअल नॉलेज, कन्नूर में है, दुर्गापुर में, शिरडी में, अ वेरी यू नो रिलीजियस टूरिज्म, पाक्योंग में, कालाबुर्गी में, ओरवक्कल, कुरनूल में, सिंधुदुर्ग, कुशीनगर एंड दोनी पोलो एंड ईटानगर, राइट। ये सारे आपके एयरपोर्ट्स हैं विच आर और विच हैव बीन यू कैन से ऑपरेशनलाइज्ड अंडर वॉट, अंडर द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है कि What do we mean by a greenfield airport? ये देखो यहाँ पे सिर्फ greenfield और brownfield को ना generally भी अगर याद रखोगे तो अच्छा ही रहेगा कि greenfield किसी भी project के आगे लग रहा हुआ है और brownfield किसी भी project के आगे लगा हुआ है, तो वो same ही मतलब है कि brownfield का मतलब यही होगा हमेशा कि that is an existing project, right? या फिर अगर मान लो किसी investment में भी पढ़ रहे हो ना, कि just for your knowledge only, कि अगर किसी investment में भी सुन रहे हो कि it is a brownfield investment या it is a greenfield investment, then also you should be वेरी क्लियर के यार, अच्छा ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड अ ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड जहां वर्ड आ जाएगा वहां समझ जाना कि एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, जो चीज स्टार्ट हो रही है वो बिल्कुल ही फ्रेश स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल नई चीज जो है वो जीरो से स्टार्ट की जा रही है, पहले से कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, राइट। सो ये चीज जो है यू शुड बी हैविंग क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू दीज थिंग्स। साथ ही साथ पॉलिसी हमने डिस्कस कर ली है, कौन सी पॉलिसी, जो आपकी एयरपोर्ट की पॉलिसी है 2008 की, राइट। व्हाट वाज द नेम बेसिकली, द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, द ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी ऑफ 2008, ठीक है जी। सो दिस इज वॉट वी हैड टू डिस्कस इन टुडेज सेशन एंड आई होप यू गेन समथिंग। देखो GS3 में फिर से वापस क्लोज करने से पहले सेशन को एक बार बोलना चाहता हूँ, GS3 आपका डायनेमिक पेपर है, इकोनॉमी में सवाल जो है वो स्टैटिक से भी पूछ रहा है कमीशन, लेकिन जो करंट में डायनेमिक चीजें चल रही हैं वहां से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इश्यूज क्रिएट करते हैं, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो देश में एक बड़ा इशू है मेंस में, जो आपके कवर हो सकता है या मेंस में जिसपे सवाल एक हाई पोटेंशियल रहता है कि पूछा जा सकता है बाय द कमीशन, तो इंफ्रा वाले में इस चीज को जरूर जो है अपने नोट्स में एड कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। So this is Piyu signing off. Thank you so much. I hope you gained something from this video. And if that is the case, then please jaate jaate ek bar wo like wala button yaar hit kar jao, hai na? Wo sahi rehta hai. Thodi si motivation hume bhi aa jati hai. Theek hai? Chaliye. So milenge next video mein. Until then, stay safe, study well, keep preparing. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Bye bye.